चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी दाल बताने जा रही हूँ जिसमें हम सब्जियाँ डालकर बनाएंगे, यानी कि विंटर का सीजन है तो हम उसमें फूल गोभी मटर डाल के दाल बनाएंगे और ये हम बनाएंगे देसी स्टाइल में चूल्हे के ऊपर। तो आइए अब हम दाल बनाएंगे लेकिन सब्जियां डालकर हम दाल बनाएंगे। मैंने आज दाल बनाने के लिए जो सब्जियां इस्तेमाल करी है वो मैंने एक कटोरी मटर लिया है और एक मैंने फूल गोभी को इस तरह से मोटे मोटे बारीक पीसेस में काट लिए हैं। ये मैंने एक चम्मच माँ की दाल ली है। जो मैंने चम्मच ली है वो मैंने ये वाली बड़ी चम्मच के हिसाब से, ये एक चम्मच माँ की दाल है, एक चम्मच ही मसूर की दाल है, एक चम्मच चने की दाल है, एक कटोरी मटर और ये फूल गोभी ली है। इसके अलावा जब हम तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए मैंने ये एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है, हरा धनिया है, एक टमाटर है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसमें अदरक और लहसुन ज्यादा लगेगा इसलिए ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, जब हम दाल बॉईल करेंगे तब इसमें हम डालेंगे। ये मैंने राई, जीरा और हींग लिया है। ये मैंने मिर्च, धनिया और हल्दी ली है। मसाले भी इसमें दो बार लगेंगे क्योंकि एक बार तो हम तड़का लगाएंगे, तब मैंने तड़का लगाने के लिए ये मैंने मिर्च, धनिया और हल्दी ली है। जब हम दाल को बॉईल करेंगे तब हम ये मसाले डालेंगे। इसमें भी मैंने एक चम्मच धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है क्योंकि हल्दी हम दो बार डालेंगे इसलिए मैंने आधी चम्मच हल्दी ली है। तो एक बार सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये तीनों दाल है इसे हम एक घंटे के लिए पानी में डुबो के रख देंगे, यानी इसको हम सोक करके रखेंगे एक घंटे के लिए। ये दाल को मैंने एक घंटे के लिए सोक करके रख दिया है। तो अब आइए हम चूल्हे वाली रसोई में चलते हैं जहां हम ये दाल वेजिटेबल दाल डाल के बनाएंगे। चूल्हे वाली रसोई में आ गए हैं और मैंने चूल्हा जला लिया है। चूल्हा जलाने के बाद इसके ऊपर हम ये कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें पानी रख देंगे। तो हमने एक कटोरी दाल ली है तो हम उस हिसाब से हम चार कटोरी पानी डाल देते हैं। तो चार कटोरी के हिसाब से हम इसमें पानी डाल रहे हैं। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें दाल को डाल देंगे। पानी गर्म हो गया है तो हम सबसे पहले ये एक चम्मच धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक डाल देते हैं। उसके बाद ये जो हमने लहसुन चॉप करके रखा था ये भी डाल देंगे क्योंकि हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं दाल, तो इसमें लहसुन अभी भी डलेगा और जब हम तड़का लगाएंगे तभी भी डलेगा। अब हम ये जो दाल है ये भी डाल देते हैं। इसमें हम अभी मटर और गोभी अभी हम नहीं डालेंगे। अभी हम इसे जब तक ये दाल आधी पक जाएगी उसके बाद हम मटर और गोभी डालेंगे। तो अभी हमें इसे आधी दाल पक जाए जितनी हमें ये दाल पकानी है तो हम इसे आधा ढक्कन लगा के रख देंगे क्योंकि अगर हम ढक्कन पूरा लगाएंगे तो दाल बाहर निकल जाएगी। तो अब हम इसमें ये आधा ढक्कन लगा के दाल को पकने देते हैं। अभी इसे हम और चलने देंगे क्योंकि अभी ये अच्छे से गली नहीं है दाल, तो इसे और हम इसी तरह चलने देते हैं। ये देखिए दाल अच्छे से गाढ़ी हो गई है और ये पानी भी इसमें गायब हो गया है और ये आधी सीज चुकी है। तो अब हम इसमें ये जो एक कटोरी मटर थे वो मटर डाल देते हैं और ये गोभी डाल देते हैं। अब इसमें पानी कम पड़ गया है तो मैंने ये एक गिलास पानी गर्म कर रखा था तो ये पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इसे हम इसी तरह चलने देंगे। जब ये गोभी, मटर और ये दाल अच्छे से गल जाएगी तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तब हम इसमें छौंका लगाएंगे। तो इसको हम इसी तरह थोड़ी देर चलने देते हैं। इसको इसी तरह से चलता हुआ आधे घंटा हो गया है तो अब हम गोभी को तोड़ के देख लेते हैं कि ये गल गई है क्या। तो ये अच्छे से गल गई है,
और मटर भी गल गए हैं, तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी चूल्हे पर हम वापस से तड़के की तैयारी करते हैं। इसलिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें ये तेल डाल लेते हैं। ये मैंने एक बड़ी चम्मच के हिसाब से तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम ये राई, जीरा और ये चुटकी भर हींग है ये डाल देते हैं। इसके बाद ये हरी मिर्च और प्याज डाल देते हैं। ये जो मसाला था हमने दो बार इसमें मसाले डाले थे, तो ये दोबारा तड़के के लिए मैंने ये मिर्च, धनिया, हल्दी ली है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें डाल के हम एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज को लाल होने देंगे हम। प्याज भी अच्छे से लाल हो गए हैं, तो अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। टमाटर डाल देते हैं। और मसाले को अच्छे से पकने देंगे और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो हम देसी स्टाइल में जो हम चटनी बनाते हैं बिल्कुल उसी की खुशबू इसमें से आ रही है। अदरक, लहसुन, तो ये हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें वो दाल डाल देते हैं जो हमने पहले ही पका के रख ली है। ये दाल हम इसमें डाल देते हैं। और ये बहुत स्वाद लगती है ये वाली दाल, अगर इसमें हम ये गोभी मटर डाल के बनाते हैं तो। ऊपर से हम ये धनिया डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसमें अच्छे से वो बॉईल आने देंगे और ये अच्छे से बॉईल हो गया है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ऊपर से और धनिया डाल देते हैं। ये मैंने चूल्हे पर सब्जियां डाल के दाल बनाई है, बहुत हेल्दी दाल हो गई है ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।